अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, आज यार अपने काम ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि चलो खैर। तो अभी खोलते हैं, अभी सारे परिंदे अपने चूज़े बोल रहे हैं, भूख लगी होगी जारी बात है। तो आज मैंने सफाइयाँ भी कोई नहीं की इतनी ख़ास, तो कल आज शाम को आऊँगा, आज शाम को ही करूँगा सफाइयाँ, अभी नहीं की। तो मैं अभी खोल लेता हूँ अपने परिंदे सारे। यार अभी सिर्फ वहाँ पर पानी भरने गया था इनके लिए, तो यहाँ से बिल्कुल ये छत के ये इतनी ऊंचाई थी बस, यहाँ से ऐसे बाज गया और चूज़े सारे डर गए और ये कबूतर भी डर गए। इन्होंने अभी दाना पानी खाना था, अभी ये बाहर है नहीं, तो ये तो सारा दिन अंदर ही रहते हैं आजकल, इनका बहुत ज़्यादा डर है। और चूज़े देखे एक भी आपको सामने नहीं नज़र आ रहा, ये एक ये नीचे नीचे घुसे हुए थे सारे पिंजरे के, छुप गए थे, डर गए थे, सहम गए थे सारे ना, और तोते भी अंदर चले गए थे। शुक्र है चूजे बाहर नहीं थे, नहीं तो आज हो जाता कांड कोई ना कोई। चलो खैर, एकदम से आया है ना, पता ही नहीं लगा, यहाँ से आया ऐसे गया, पता नहीं लगा एकदम से इनको क्या हो गया है। हाँ जी, तो वेलकम बैक यार, आ गया हूँ आज। मैं सारा दिन घर नहीं था, आगे तो मैं आता था ना, तो तकरीबन 3-4 घंटे अपने परिंदों को आके देता था। तो आज यार मैं सारा दिन शॉप पे था और अभी आया हूँ घर। इनके लिए पालक लाई है, पालक इनके आगे रखी है, और अंडे शंडे तो मेरे घर में रेगुलर उठाते रहे हैं, जिनको जो घर थे वो उठाते रहे हैं। तो अभी यार आप लोग को उस कुड़क मुर्गी की कंडीशन दिखा दे, तो कुड़क मुर्गी कहें क्योंकि अब तकरीबन वो कुड़क है ऑल टाइम जो है ना। ये अंडे मैंने रखे हैं, ये देखें अब कुड़क है माशाल्लाह, अंडे इसके देखता हूँ बोले हीट हुए हैं, नहीं थोड़े थोड़े हीट हुए। ओ इसने ये नया अंडा दे दिए, इसी का ये इधर, तो मैंने 3 रखे थे यार, 2 कैसे हो गए, इधर 3 रखे थे, एक और किधर किया है, इधर 2 रखे थे, एक अंडा गायब हो गया। ओहो यार इसने कहीं पी ना दिया हो, ये वाला इसने नया अंडा दिया है यार, आजकल अंडे पीने वाला सीन बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। एक ये भी अंडा जो नहीं है, इधर उधर अंदर एक अंडा ज़्यादा हुआ हुआ है और इधर एक कम हुआ हुआ है, क्या सीन है कोई समझ नहीं आ रही। मुझे भी याद नहीं है सुबह मैंने 3 रखे थे या कितने रखे थे, असल में आज घर नहीं था ना सारा दिन। ना आज अपनी इस मुर्गी पे बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है, ना ये कुड़क हो रही है, ना ये अंडे तो देती जा रही है। और एक इसने जो आजकल फिर से गंदा काम उठाया हुआ है ना, एक मिनट दिखाता हूँ, इस मुर्गे को पकड़ना पड़ेगा है ना, इसने जो गंदा काम अब एक और उठाया हुआ है इस मुर्गे, ये जो नई कुरीज कर रहा है ना, ये इसके जो नए पंख आ रहे हैं वो नोच रही है सारे, ये देखें सारे पंख जो है नोची जा रही है, पता नहीं से क्या मज़ा आ रहा है। सेटअप की हमारे सबसे गंदी मुर्गी है यार, बहुत गुस्सा है इस पे मुझे, क्या करूं इसका यार। इसने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है यार, यकीन ना ये कुड़क हो रही है, अंडे पे अंडा दे रही है, अंडा भी ये इतना सा देती है, फायदा है नहीं है इसका, नुकसान कर रही है बस। हर मुर्गी के साथ लड़ना भी इसी ने है, मुर्गे के बाल भी इसी ने नोचने हैं, हर उल्टा काम इसका यार, कोई समझ नहीं आ रही इसे क्या करूँगा। मुर्गा मैं बाहर छोड़ते जाऊँ तो इसको ना ये नोच के रख देती है, बस खाने लग जाएगी, बाल खाने लग जाएगी, उल्टी हरकतें हैं इसकी। अभी यार इन्हें मैंने पानी दिया है, घर आया हूँ, पालक डाली है, मूड सारा ख़राब कर दिया इसने, एक तो पालक डाली है और अभी इनको भूख लगी, इनको दाना भी देता हूँ और मुर्गे को बंद करके जाऊंगा यार, मुर्गा तो बाहर रह ही नहीं सकता। और खरगोशों के लिए मैं लेकर आया हूँ दोबारा से गाजरें, वो भी देंगे इन्हें, पानी में देता हूँ अभी चूज़ों को, फिर इनको भी दाना रखेंगे आगे, बल्कि पहले दाना दे देते हैं फिर पानी पिलाऊंगा। इन्हें दे दिए चूज़ों को और दाना रखते जाता हूँ, मुर्गी पंजे मार मार के ना दाना सारा नीचे गिरा देती है, वो खाते क्या हैं बेचारे यार,
समझ ही नहीं आती। और इस मुर्गी के नीचे अभी मैंने आगे तो दो रखे थे ना, अब सिर्फ एक अंडा मैंने रखा है कि चलो पता तो हो कि एक अंडा है। इसको यार अब बिठाना अंदर या इधर बिठाना नहीं है। और कुड़क ये काफी हो गई है, अभी तो ये एक अंडा है ना, कल तक यही पड़ा रहेगा इसके नीचे देसी अंडा। वैसे तो मेरा दिल था कि फार्मी अंडा इसके नीचे ला के रखूँ फिलहाल एक दो दिन, जब इसका कुड़क पक्का हो जाएगा फिर इसको सारे अंडे देंगे उधर अंदर ही। तो मुर्गे को भी यही बंद करके दूंगा, पानी शानी पी ले, इसको अंदर ही दाना डालेंगे। एक मुर्गी इसके साथ छोड़ देंगे इधर, वो मुर्गी इसके साथ छोड़ देंगे अंदर, पक्की है वो मुर्गी इसके साथ रहेगी। और ये मुर्गी अब अंडों पर रहेगी 21 से 22 दिन, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे पक्की ये कुड़क होती जा रही हैं, दिन ब दिन अच्छी कुड़क हो रही है। और अभी इनको दाना देना रह गए, इनको भी दाना देते हैं। और जो अंदर कुड़क मुर्गी बैठी है उसको भी पानी शानी पिलाना है, दाना देना है। माशाल्लाह यार अपनी ये वाली जो मुर्गी है ना, ये कुड़क पक्की हो गई है। आप देखें इसके पास में जाता हूँ कैसे, ये अब आप लोग खुद बताएं कुड़क है कि नहीं, कुड़क है, पक्की कुड़क है। तो इंशाल्लाह इसके नीचे जो है कल हम अंडे रखेंगे, कल इसको अंडे देंगे। और इसको इधर नहीं बिठाना यार, कोशिश करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये खुड्डा हमारा खाली हो ना, तो एक पेयर दो दिन मतलब जगह मिल जाए, दो दिन का टाइम मिल जाएगा ना, दो दिन एक पेयर अपना इधर रखेंगे और एक पेयर अपना इधर रखेंगे, ताकि इनका जोड़े लग जाएँ, जोड़े लग जाएंगे फिर ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। और ये अपने कबूतर भी बाहर निकले हुए हैं, रैबिट्स यार आजकल जो है ना काफ़ी खामोश खामोश हैं। इनको अभी बंद करके मैं इनको भी अंदर ही दूंगा दाना पानी सॉरी, इनको घास भूस दूंगा जो मैं लाया हूँ इनके लिए स्पेशल। और इनको खोला था बाहर के घूम फिर लें। और वो मुर्गी है कल तक इंशाल्लाह इसका भी कुड़क जो है पक्का हो जाएगा, कल इसको अंडे दे देंगे। तो यार ये रूटीन है अपनी सारी अभी। और जो मुर्गा और मुर्गी थी ना, असील जो मुर्गा था वो मैंने इधर बंद कर दिया, ये रहा वो पीछे जो मुर्गी खड़ी है उसके साथ बंद किया, सही फोकस नहीं हो रहा। वो पीछे वाइट वाली जो मुर्गी थी ऐसी बता देने, खोलने की ज़रूरत नहीं है अब। और ये वाला पिंजरा काफ़ी बड़ा है इस वाले से मतलब कुछ ना कुछ बड़ा है ये, इस वाले में ये अपनी कुरीज अच्छी करेगा मुर्गा। बस ये वाली मुर्गी यार इसके पर ना खाने लग जाए, पर खाने लग गई तो फिर इस मुर्गी को बिठाना पड़ जाए, क्योंकि मुझे अपना जो मुर्गा है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैं चाहता हूँ यार इसकी अच्छी अच्छी कुरीज हो, ताकि अच्छे से बाल बहुत खूबसूरती शाइनिंग बने, ताकि जो भी बंदा अपने सेटअप पे देखे ना इसको तो वो कहे कि वाह क्या चीज़ रखी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसको सेफ़ रखा जाए। अब मैं सुबह इसको खोल के गया था, लेकिन इसको बंद करके जाना चाहिए था, मेरी भी गलती है इसमें। इस मुर्गी का मुझे पता है ये बाल नोचती है, हर दूसरी किसी देसी के पीछे पड़ जाएगी उसके बाल नोचने लग जाएगी, ये इसकी हरकतें हैं आजकल। इसको तो इसकी तो आज कौरमा बनेगा ही बनेगा ना, देखना अब। ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं इसको बस ये समझो एक दो दिन से ज़्यादा इसे नहीं रखने वाला, शायद आज रात को ही इसको फारग कर दूँ। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड में आके मेरा मूड सारा ख़राब कर दिया उस मुर्गी ने। तो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिए करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।